खोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। कमीशन खोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। एएम बलिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार, मैं हूं शबीना परवीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। बलिया में बिजली को लेकर मचा हाहाकार, अधिवक्ताओं ने किया सड़क जाम। एसडीएम सदर ने कहा शाम तक आ जाएगी बिजली। खबर जनपद बलिया से। बलिया जिले में विद्युत विभाग के कर्मियों द्वारा कार्य बहिष्कार और कार्य पर न लौटने की जिद की वजह से स्थिति भयावह हो गई है। एक तरफ जहां बिजली विभाग के निजीकरण का विरोध विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शनिवार के दिन विद्युत आपूर्ति बहाली की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने दीवानी न्यायालय के गेट के सामने सड़क जाम कर दिया। मौके पर एसडीएम सदर, सिटी मजिस्ट्रेट सहित भारी मात्रा में पुलिस पहुंच गई। ऐसा नहीं है कि यहाँ का प्रशासन का आदमी या कोई पुलिस का आदमी जाके वो चालू कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? नहीं हो सकता। लोकल फॉल्ट है, हमारे पांच फीडर में पांचों जगहों पे लोकल फॉल्ट है और हमारे पांचों जगहों पे हमारा बाइक से लेके मीटिंग कर रहा है, पूरा रूट पता रहता है, फॉल्ट पता रहता है। हमने कोई जानकारी नहीं है, सुबह से लगातार लगे हुए हैं। दो फीडर चालू करवाया, फिर तीन फीडर में रात को तो काल तक होना सही नहीं होगा। सुबह 7 बजे से मैं खुद पांचों फीडरों पे हमारे लाइनमैन बाइक से पूरा सर्वे कर रहे हैं। उसके लिए लाइन का शटडाउन दिया गया। अधिवक्ताओं का नारा था बिजली विभाग की तीन दवाई, जूता चप्पल और पिटाई। डीएम होश में आओ के नारे लगाए। अधिवक्ताओं का कहना था कि डीएम आवास परिक्षेत्र तथा कोतवाली क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बहाल है, लेकिन अन्य जगहों पर विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं की गई है। अधिवक्ताओं द्वारा विद्युत आपूर्ति बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिवक्ताओं ने क्या कहा सुने। सिविल कोर्ट बलिया, किस बात को लेकर आप लोग क्या कहते हैं? विद्युत आपूर्ति पूरे जिले की तीन दिनों से ध्वस्त है और ये जिलाधिकारी कान में तेल डालकर बैठा हुआ है। कोई जिला प्रशासन का अधिकारी फोन तक नहीं उठा रहा है और जनता के साथ मजाक किया जा रहा है। बच्चे बिना नहाए बिना खाए स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। अधिवक्ता बिना खाए नहाए स्कूल अपने कैंपस आने के लिए मजबूर हैं। और जिलाधिकारी और तमाम ऑफिसों में ये लोग अलग से लाइट की व्यवस्था कर रखे हैं। हम लोगों ने अभी कोतवाल से बताया कि तुम्हें एक घंटे की डिमांड कर रहा था। मैंने कहा जाओ अपनी लाइन काट के आओ, जिलाधिकारी कार्यालय की लाइट काट के आओ, तमाम कार्यालयों की लाइट काट के आओ, तब तुम्हें समझ में आएगा कि किस परेशानी से जनता गुजर रही है। बिजली विभाग के कर्मचारियों से कांटेक्ट हो पा रहा है? बिजली विभाग के कर्मचारी हमारे डर से भाग गए हैं, क्योंकि यहाँ से जाके उन्हीं को ठीक करेंगे अगर नहीं हटे हड़ताल से। आखिर बिजली विभाग की आपसी मांग को लेकर के उसमें पूरी जनता पीस रही है, क्या कहेंगे? मांग देखिए, उनकी मांग जायज है या नाजायज है, हड़ताल करने का तरीका बदलना चाहिए। विद्युत आपूर्ति ठप करना ये मौलिक अधिकार का हनन है। विद्युत आपूर्ति ठप न करे वो अपना क्या कहते हैं, वसूली बंद करे, वो अपना जो वसूल करके जनता से टैक्स ला के इनको देते हैं वो बंद कर दे, उस तरह का हड़ताल करें। विद्युत आपूर्ति क्यों बंद करेंगे? अगर विद्युत आपूर्ति बंद करेंगे लाठी से डंडा से पीटेंगे हम लोग, अभी सुधार देंगे पूरे जनपद बलिया को। अभी विद्युत आपूर्ति में कोई सुधार नहीं है। अभी आए थे, उन्होंने कहा कि पूरे जिले की व्यवस्था 1 बजे तक हम दुरुस्त करेंगे, जहां तार टूटा है वहां की व्यवस्था के लिए थोड़ा और समय लगेगा, लेकिन हम लोग उनके आश्वासन में आने वाले नहीं है। हम लोग 1 बजे तक यहां इंतजार करेंगे। वकील साहब, अभी कुंवर सिंह चौराहे पे कुछ लोग चक्का जाम किए थे, तो कोतवाल साहब जो है वहां कहे कि देखो चक्का जाम करना इसका हम लोगों से क्या आप लोगों को दिक्कत है, आप लोग जाइए कर्मचारी अधिकारी से बात करिए। भाई देखिए, कल आपके सामने मैं जिलाधिकारी से मिला था ना, जिलाधिकारी ने क्या कहा? कल रात 11 बजे तक बोली थी कि हम व्यवस्था दुरुस्त करेंगे। क्या व्यवस्था दुरुस्त हुई? आईटीआई के लोगों को बुलाया गया, आईटीआई के प्रशिक्षकों को बुलाया गया, सारे नाकाम निकले। क्या उनकी डिग्रियां निरस्त हुई? क्या इनके प्राइवेट विद्युत कर्मचारी काम कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो उनसे काम कराएं, सरकारी लोगों को छोड़े, नहीं तो क्या है, देशद्रोह का कानून लगाए बिजली विभाग के अधिकारियों पर। जनता का जीना मुश्किल कर दिया है ये लोग। पानी नहीं है कि घर में खाना बने, कैसे काम चलेगा? वहीं सदर एसडीएम ने कहा शाम तक बिजली आपूर्ति पूरी तरह बहाल कर दी जाएगी।
ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ। साहब तो नहा ही नहीं को लेके लोगों ने जाम लगाया था, वकील साहब लोगों ने, उनसे बात हो गई है। जो भी हमारा फॉल्ट है उसमें हमारी टीम लगी हुई है, फॉल्ट को जल्दी दुरुस्त करा लिया जाएगा और हमारा पूरा प्रयास है कि शाम तक इस जो भी हमारे फॉल्ट है उसको सही करा के बिजली हम चालू कर। जाम टूट गया सर? हाँ, जाम वकील साहब लोगों ने कर दिया, लेकिन अभी खड़े हैं, हट जाएंगे सारे लोग। किस प्रकार का फॉल्टिंग है सर ये तो बिजली वालों से पूछना पड़ेगा। कर्मचारी हैं ऑफिस में? प्राइवेट वाले कर्मचारियों को रखा गया है यहाँ पे सही कराने तो के लिए। कार्रवाई हो रही है? नहीं, कर्मचारी दोनों स्ट्राइक पे हैं। तो क्या लगता है सर कब तक बिजली आपूर्ति सही हो जाएगी? बोल दिया अभी मैंने कि सारा फॉल्ट सही कराया जा रहा है, कोशिश ये रहेगी कि शाम तक विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगे। ठीक है।